देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू 2019 बजाज पल्सर 180 F ABS का। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग की रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों ये है बजाज पल्सर 180 F ABS। दोस्तों फाइनली 180 F में भी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ सिंगल चैनल ABS मिलता है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि इसमें डुअल चैनल ABS इंस्टॉल किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेन ABS सेंसर प्लेट आपको फ्रंट व्हील में मिलता है। रियर व्हील में जो आपको सेंसर लगाया गया है वो कोई ABS सेंसर नहीं है, वो एक स्पीड सेंसर प्लेट है। दोस्तों स्पीड सेंसर कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि जब भी आप फोर्सली ब्रेक को अप्लाई करते हो तो जो अनयूजुअल स्टॉपिंग क्रिएट होती है उसी को ये स्पीड सेंसर कंट्रोल कर लेता है। दोस्तों हालांकि प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आया है, पहले के मुकाबले अब इसका प्राइस 7,000 रुपये बढ़ चुका है, क्योंकि इसमें आपको ABS और स्पीड सेंसर प्लेट मिलता है। तो दोस्तों जो प्राइस बढ़ाई गई है वो मेरे हिसाब से काफ़ी सही है, क्योंकि बजाज हमेशा से ही आपको कम से कम कीमत में एक परफॉर्मेंस बाइक प्रोवाइड कराता है। दोस्तों फ्रंट में आपको सेम पल्सर 220F की तरह ही सेमी फेयरिंग मिलती है, जिसमें आपको दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और एक ब्लैक कलर का इसमें आपको बहुत ही बड़ा वाइजर मिल जाता है। इंडिकेटर्स, इसमें आपको फ्लेक्सिबल बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं, जिससे अगर आपकी बाइक गिर भी जाती है तो इंडिकेटर्स को ज़्यादा डैमेजेस नहीं होगा। दोस्तों मास्क के कॉर्नर्स पर भी आपको ऑरेंज कलर के स्टिकर्स मिल जाएंगे, जो आपकी बाइक को काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देते हैं, और कॉर्नर्स पर आपको पायलट लैंप्स मिल जाएंगे जो नाइट में आपकी बाइक को एक डेविल टाइप लुक देने में हेल्प कराएंगे। दोस्तों रेयर में आपको सेम ट्विन डिवाइडेड सेक्शन में LED टेल लाइट्स मिलती हैं, जिसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और कन्वेंशनल फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ आपको प्लास्टिक फाइबर का फ्लेक्सिबल मडगार्ड मिल जाता है। इसके इंजन पावर के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 178.6 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व ट्विन स्पार्क DTSAI एयर कूल्ड FI इंजन मिलता है, जिसमें आपको 17.02 PS एट 8,500 RPM की पावर और 14.22 Nm एट 6,500 RPM का टॉर्क मिलता है। इसमें आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, और इसमें आपको जो नंबर ऑफ गियर्स मिलते हैं वो आपको सिर्फ 5 मिलते हैं। दोस्तों अगर माइलेज के बारे में बात किया जाए तो इससे आप अराउंड 35 टू 40 तक का माइलेज गेन कर सकते हो, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस तरीके से अपनी बाइक का मेंटेनेंस रख रहे हो। दोस्तों अगर इसकी करंटली प्राइस के बारे में बात किया जाए तो इसका प्राइस है 1,10,000 ऑन रोड दिल्ली। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट कंसोल, इसमें आपको एनालॉग और डिजिटल का कंबाइन इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जिसमें आपको ABS इंडिकेटर अब आपको बैटरी इंडिकेटर की जगह मिलेगा। बाकी सारे बेसिक से फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। साइड स्टैंड इंडिकेटर, आपका फ्यूल गेज, ओडोमीटर, 2 ट्रिप मीटर, सर्विस रिमाइंडर इसमें आपको नहीं मिलता है, और एनालॉग मीटर में आपको टोटल RPM मिल जाएगा। दोस्तों स्विच गियर क्वालिटी बजाज की हमेशा से ही अच्छी रही है और रहना चाहिए, और जो बाइक की हैंडलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों यहाँ पर आपको स्विचेस बैकलाइट्स भी मिल जाती है, जो नाइट में आपके स्विचेस को विजिबल कराने के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है, मतलब आप उनको जज करके अपने स्विचेस को कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ राइट तरफ के हैंडल में आपको इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक विथ एंटी फ्रिक्शन बुश सस्पेंशन मिलता है, जिसमें आपको 90/90 के टायर साइज मिलता है विथ 17 इंचेस व्हील साइज और 260 mm के इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। दोस्तों इसमें आपको MRF का टायर मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ ABS की भी सेंसर प्लेट लगी हुई है। रेयर टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो रेयर में आपको 5-वे एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है, जिसमें आपको 120/80 का टायर साइज मिलता है विथ 17 इंचेस व्हील साइज और 230 mm के इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हो यहाँ आपको स्पीड सेंसर भी मिलता है। दोस्तों इसमें आपको बहुत ही कंफर्टेबल और स्पेसफुल सीट मिलती है, जिससे अगर आप 2 या 3 लोग बैठ के भी राइड कर रहे हो तो जो राइडर है और जो पिलियनर्स हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो इसमें आपको स्प्लिटेड सीट मिलती है, और ऊपर से इसकी जो सीट की कुशनिंग है, जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। दोस्तों अगर आप बाइक के ओवरऑल लुक्स को देखोगे ना तो 70 to 80% जो बाइक का लुक्स और बॉडी डिजाइन है वो सेम पल्सर 220F की तरह ही है। इसमें भी आपको सेम 220F की तरह सेमी फेयरिंग मिलती है, बस कुछ चीज ऐसी है जो 220F से मिलती जुलती नहीं है, जैसे कि पेंट स्कीम और नियॉन ऑरेंज स्टिकर जो आपको बाइक के कुछ मेन पार्ट्स पर मिल जाता है हाईलाइटिंग के लिए। और एग्जॉस्ट भी दोस्तों इसका 220 से मिलता नहीं है। इसमें ओल्ड मॉडल की पल्सर 180 का साइलेंसर लगाया गया है और इंजन जो आपको 180 सीसी का मिलता है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि आपको पल्सर 180F कैसी लगती है और इसका कौन सा कलर आपको पसंद है। तो दोस्तों आज के लिए हमारी वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोग के रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूं। और दोस्तों अगर आपको डाउट्स है रिलेटेड टू बजाज पल्सर 180F ABS से, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।